मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2023 का हेड 17 दिसंबर 2023 को कराया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर वन का क्वेश्चन पेपर देखेंगे ऑफिशियल आंसर की के थ्रू। टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाते हैं 200 मार्क्स के। समय 2 घंटे दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और यह जो क्वेश्चन पेपर होता है वो निगेटिव मार्किंग के साथ नहीं होता है, अर्थात कि हमें 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। क्वेश्चन नंबर 1, साइबर सुरक्षा में एक फायर वॉल का क्या उद्देश्य है? एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन जो है किसके उदाहरण है? तो अभी MBPSC के द्वारा B2B को सही आंसर चूज किया गया है। हो सकता है कि जब फाइनल आंसर की मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जारी करे तो हम लोग जानते हैं कि वहां पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं। तो अभी MBPSC ने B2B को सही माना है। वैसे B2C भी हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, यहां पर बिजनेस टू बिजनेस ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? इसे फिशिंग हमला कहते हैं। जैसे संवेदनशील सूचना जो है, ATM का पिन नंबर कोई मांग ले, या इस तरह से आपको छला जाए कि आप अपना ATM नंबर बता दीजिए, तो ये सारी जो है संवेदनशील सूचना आती हैं, और यदि इसको कोई डिमांड करता है तो उसे फिशिंग हमला कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है पूछा गया है? तो MP ऑनलाइन जो है ये नहीं है ई प्रोक्योरमेंट। ई कॉमर्स का लाभ पूछा गया है, तो यह 24/7 जो है कार्य करने की क्षमता रखता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता है? तो करेक्ट आंसर है DSL। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फायरवॉल इन साइबर सिक्योरिटी? सो टू ब्लॉक अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू अ नेटवर्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन आर एग्जाम्पल ऑफ B2B। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट इन्वॉल्व्स ट्रिकिंग यूजर्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन? सो करेक्ट आंसर इज फिशिंग अटैक। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल? सो करेक्ट आंसर इज MP ऑनलाइन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स? सो करेक्ट आंसर इज एबिलिटी टू ऑपरेट 24/7। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन दैट यूजेस टेलीफोन लाइन? सो करेक्ट आंसर इज DSL। क्वेश्चन नंबर 7, विसंकेतन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोतों के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के रूप में ट्रांजिस्टर को यूज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है पूछा गया है? तो याहू एक तरह का ईमेल है, जैसे जीमेल है उसी तरह से याहू है, जबकि एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स जो है और गूगल क्रोम जो है यह सर्च इंजन है। ChatGPT को OpenAI ने डेवलप किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये मुंबई में नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 किसको दिया गया है? तो श्रीनिवास वर्धन को दिया गया है पद्म विभूषण। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही थी? तो ये तीनों रही थी, सुशीला चानू, मोनिका और वंदना कटारिया। सो उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हो जाएंगे। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय जयपुर में है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है शरद कमल को दिया गया है, और 2023 का भी अनाउंस्ड हो गया है जिसको कि 9 जनवरी 2024 को प्रदान किया जाएगा। मैंने ये वीडियो डाल दिया 2023 वाला, तो 2023 को अब हमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए तैयार रखना होगा। सो आप देख सकते हैं उसको। डिकोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच द रिसीवर इंटरप्रेट्स द सिंबल्स यूज्ड बाय द सोर्स ऑफ द मैसेज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ट्रांजिस्टर एज अ यूज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नॉट अ वेब ब्राउजर, सो याहू इज नॉट अ वेब ब्राउजर। ChatGPT डेवलप्ड बाई OpenAI, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज नॉट सिचुएटेड इन मुंबई इज करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पद्म विभूषण 2023 श्रीनिवास वर्धन इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इंडियन वीमेन हॉकी टीम इन टोक्यो ओलंपिक 2022, सो ऑल ऑफ देम, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया लोकेटेड एट जयपुर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 शरद कमल। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था? तो इंग्लैंड। 1974 इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, यह किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 2015 से हुआ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 जो है में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया? सेंट्रल बैंक हमारा जो है वो RBI हो जाएगा। तो भारत के गवर्नर जो है शशिकांत दास जो है उनको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम भारतीय सैनिक स्काई डाइवर शक्तिकांत दास है, ये
शक्तिकांत हैं, शक्तिकांत दास हैं ये, जो भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं, 25th ये गवर्नर हैं भारत के। भारत प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो मंजू सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेद जे ईरानी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया है? तो ब्रह्मपुरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मुकुल, यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की साहित्यिक रचना है। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में है। दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नुह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो गोंड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। इंडिया प्लेड फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच विद विच कंट्री एंड इन विच ईयर? सो इंग्लैंड, 1974। फ्रॉम 2005 वी सेलिब्रेट 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023, सो ये इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीमेन फर्स्ट इंडियन वीमेन सोल्जर स्काई डाइवर? सो करेक्ट आंसर इज मंजू, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। फ्रॉम द फ्लोइंग इंडस्ट्रीज हु इज नॉन एज ए स्टील मैन ऑफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर इज जमशेद जे ईरानी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विच अदर नेम वॉज द रिलीजियस प्लेस चित्रकूट ऑल्सो रिकॉग्नाइज बाई? ब्रह्मपुरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान रिलेटेड है वो। हिस्टोरिकल मातंगेश्वर टेम्पल सिचुएटेड एट खजुराहो। नुह डोरा ऑर्नामेंटेशंस मेड ऑफ क्ले ऑन द वॉल इन द स्पेशलिटी ऑफ विच ट्राइब? सो गोंड करेक्ट आंसर। भीमा नायक के बारे में पूछा गया था। भीमा नायक जो है ये बड़वानी जिले से रिलेटेड है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया था। भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? तो बड़वानी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भीलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो 1857, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो मौनी नृत्य, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशवदास। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब हुई थी? 1939 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने दो काव्य प्राणापर्ण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे हैं? तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी पर लिखी गई पुस्तकें हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भीमा नायक बड़वानी जो है या बड़वानी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। वेन डिड ट्राइबल लीडर्स सीताराम कंवर एंड रघुनाथ सिंह मंडलोई बिलाला ज्वाइन एंटी ब्रिटिश रिवोल्यूशन? सो करेक्ट आंसर इज 1857। विच फॉक डांस इज प्रिवेलेंट ऑन द ओकेजन ऑफ दीपावली इन द रीजनल एरिया ऑफ सागर? इज मौनी डांस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, हुज फेमस वर्क इज रामचंद्रिका? सो करेक्ट आंसर इज केशवदास। वेन डिड द थोना लाहौरी फायरिंग इंसिडेंट ऑफ निवारी डिस्ट्रिक्ट टेक प्लेस इन द फ्रीडम मूवमेंट? करेक्ट आंसर इज 1939। ऑन होम डिड बालकृष्ण शर्मा नवीन राइट टू काव्य प्राणपण एंड आत्मोत्सर्ग रिलेटेड टू गणेश शंकर विद्यार्थी? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ध्वनि से ये रिलेटेड है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है? तो ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम के अकॉर्डिंग इसे हम समझ सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हड्डी टूटना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिट अर्थात की उत्सर्ग वर्ष किसके लिए किसने घोषित किया है? तो यूएन ने घोषित किया है। और 2023 का जो यूएन ईयर था वो था मिलेट ईयर, और 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय ईयर है वो है कैमेलिट। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धति का सही क्रम है? तो सबसे पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, फिर बुआई करेंगे, सिंचाई करेंगे और कटाई करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो नारो हिल्स जो है ये हॉट स्पॉट नहीं है। हमारे भारत में टोटल 4 हैं हॉट स्पॉट, टोटल 35 हॉट स्पॉट हैं विश्व में। तो 35 में से 4 अपने इंडिया में है, जिसमें कि हिमालयज है, सुंडालैंड है, पश्चिमी घाट है, और हिमालयज में भी जो एक ईस्टर्न जो हिमालयज है ये भी आता है, ईस्टर्न हिमालयज एंड बर्मा वाला जो पार्ट है वो भी आता है। सो इसका सही आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन मफलर जो है रिलेटेड टू पोल्यूशन ऑफ नॉइस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ऑस्टियोलिथ्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? सो बोन फ्रैक्चर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऑस्टियोक्लास्ट जो है बोन से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिथ्स, सो यूएनए डिक्लेयर करता है हर एक साल
कि इस साल कौन सा ईयर होगा, तो 2024 का जो ईयर है वो है कैमेलिड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदर एग्जामिनेशन के लिए भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, सो करेक्ट आंसर इज सॉइल प्रिपरेशन, सोइंग, इरीगेशन एंड हार्वेस्टिंग फाइनल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच अमाउंट ऑफ फ्लोइंग इज नॉट अ ग्लोबली एक्सेप्टेड नेशनल हॉट स्पॉट ऑफ इंडिया, सो करेक्ट आंसर इज नारो हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है पूछा गया है, तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव नवीनीकरण अर्थात की बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है पूछा गया है, तो कीटनाशक, जबकि कागज भोजन का जो अपशिष्ट है और कास्ट जो है ये सब डिग्रेडेबल है। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है, तो आदित्य L1 है, इसे लॉन्च भी किया जा चुका है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणोत्सव जो है प्रारंभ किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में और 1896 में शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया गया था 1896 में, और गणेशोत्सव जो है यानी कि गणेश भगवान के लिए जो उत्सव है वो प्रारंभ किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी, तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, तो यह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। इन्होंने 1933 में एक पॉम्पलेट लिखा था नाव और नेवर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाव और नेवर जो है किसकी रचना है या किसकी लिखी है, तो वो है रहमत अली के द्वारा, चौधरी रहमत अली के द्वारा। और इसी पॉम्पलेट में पाकिस्तान शब्द को पहली बार लिखा गया था, जिसे कि बाद के सालों में मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा या अपना गोल या अपना एम बना लिया था कि हमें पाकिस्तान एक सेपरेट देश ही चाहिए। तो सही आंसर चौधरी रहमत अली इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि नॉट अ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या था इसमें, हाँ नहीं इसमें पूछा गया है, तो राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है इसका सही आंसर था, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम जो है ये इसका सही आंसर है। विच अमंग द फ्लोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सो करेक्ट आंसर इज मरीन इकोसिस्टम और ओशन इकोसिस्टम इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट, सो इनसेक्टिसाइड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आदित्य L1 जो है ये सन का जो साइंटिफिक स्टडी है उसको करने के लिए इसको भेजा गया है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, बाल गंगाधर तिलक, और अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि 1893 में स्टार्ट किया गया था। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट विच वन ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट द डिमांड ऑफ द कांग्रेस, सो करेक्ट आंसर इज यूनिफिकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यह डिमांड नहीं थी। हु अमंग द फ्लोइंग इज फर्स्ट क्वाइंड द वर्ड पाकिस्तान, सो करेक्ट आंसर इज चौधरी रहमत अली, इन 1933 में ये किया गया था डिजाइन। निम्नलिखित में से किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, 1739 में जब मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में 1739 में अटैक किया गया था नादिर शाह के द्वारा। सको पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे, चांदी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई, तो 1835 इसका सही आंसर हो जाएगा। आर्य मंजूश्री मूलकल्प निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह महायान जो बुद्धिज्म है उससे रिलेटेड है, यह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई, तो 222 रियासतें, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड व बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया, तो विंध्य प्रदेश है। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई, सूरत स्प्लिट में, यह 1907 में हुआ था। और सेकंड स्प्लिट जो है ये प्रथम स्प्लिट था, प्रथम विभाजन था, और सेकंड स्प्लिट भी हुआ था 1918 में, और यहां पर जो कारण था वो था मोंटेग्यू का जो डिक्लेरेशन है, वो मोंटेग्यू डिक्लेरेशन के चलते यहां पर विभाजन हुआ था या फूट पड़ा था। और जो पहला कांग्रेस में विभाजन या फूट पड़ा था वो सूरत में पड़ा था 1907 में, और कारण था यहाँ पर नरम दल और गरम दल, अर्थात कि एक लोग जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट को प्रमोट कर रहे थे और दूसरे लोग जो मॉडरेट थे उसको प्रमोट कर रहे थे, तो दोनों में बातें नहीं जम पाई, खासकर बंगाल विभाजन को लेकर और जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उस समय उस पर बातें नहीं जम पाई नरम और गरम दलों में, तो सूरत स्प्लिट हो गया। नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया इन 1739, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आफ्टर कंक्लूडिंग द सर्च विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कॉइन्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, सो करेक्ट आंसर इज सिल्वर।
In which of the following year was the freedom of press given by Lord William Bentinck? So correct answer is 1835. और Lord William Bentinck का जो time period है वो है 1828 से लेकर 1835. और इन्होंने 1829 में सती जो प्रथा थी, सती सिस्टम थी, उसको एबॉलिस्ट किया दिसंबर 1829 में. और इन्होंने प्रेस की जो फ्रीडम है वो 1835 में दी. आर्य मंजू श्री मूल कल्प जो है ये किससे रिलेटेड है? तो यह महायान जो बुद्धिज्म है उससे रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 48, सौराष्ट्र संघ के बारे में पूछा गया है कि हाउ मेनी प्रिंसिपलिट्स आर मर्ज्ड इन द सौराष्ट्र संघ ऑन 15 फरवरी 1948. सो करेक्ट आंसर इज 222. इमेजिन हम लोग कर सकते हैं कि हमारे आज़ादी से पहले 1947 से पहले हमारे भारत की क्या दशा थी कि छोटे छोटे टुकड़ों में हम इतने बटे हुए थे, जिसका कि मेन रीज़न था, जब हम देखेंगे कि 1757 के बाद से, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से, एक एक करके कैसे अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करना स्टार्ट कर दिया. क्योंकि सौराष्ट्र में ही हम देख सकते हैं कि 222 जो है वो प्रिंसेसली एस्टेट थे, जिनको कि 15 फरवरी 1948 को भारत में मर्ज किया गया. इन द ईयर 1948 विच एस्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर द मर्जर ऑफ बुंदेलखंड एंड बघेलखंड? सो करेक्ट आंसर इज विंध्य प्रदेश. इन विच सेशन वॉज द कांग्रेस डिवाइडेड इंटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? सो करेक्ट आंसर इज सूरत. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दायरे में नहीं आता है? पूछा गया है तो शिक्षा से संबंधित अधिकार. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 3. इसका सही आंसर हो जाएगा. एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है. एनजीटी की स्थापना 2010 में होती है एनजीटी एक्ट के थ्रू, अर्थात यह एक स्टेचुटरी बॉडी है. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जो है अधिकतम अपने पद पर धारण रह सकते हैं. कब तक रह सकते हैं? 6 वर्षों तक, या तो 6 वर्ष या तो अपने उम्र के 65 साल. तो इसमें मैक्सिमम साल दिया गया है कि जिस दिन ज्वाइनिंग होगा उस दिन से 6 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं. यदि वो 65 साल के पहले ही हो जाते हैं तो 65 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे वो. क्वेश्चन नंबर 55, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में इसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था. तो यह प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग, जिसको कि अलग कमीशन के नाम से भी हम जानते हैं. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 56, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ दिया गया था. डॉक्टर सी रंगराजन थे. और अभी जो है 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसका डेट जो है 2021 से लेकर 26 तक है. और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन के सिंह. राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 के अकॉर्डिंग. निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो आर्टिकल 322. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट है. खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 इसका सही आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 55 जो है इसमें यह पूछा गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है, पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अंडर द प्योर व्यू ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन? तो राइट रिलेटिंग टू एजुकेशन जो है ये ह्यूमन राइट से रिलेटेड नहीं है, जबकि इक्वालिटी, राइट रिलेटिंग टू लाइफ और लिबर्टी, ये सब लाइफ के अंदर आते हैं, ह्यूमन राइट के अंतर्गत आते हैं. तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था. यहाँ पर 3 मेंबर इसके सही आंसर हैं. एनजीटी की स्थापना जो है 2010 में होती है और इसकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. मैक्सिमम जो है कैग वो 6 ईयर रह सकते हैं. अलग कमेटी बनाया गया था, ऑप्शन, या अलग कमीशन जिसको कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है उसका. चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंस कमीशन सी रंगराजन. सेक्शन 10 इज करेक्ट आंसर. सेक्शन 10 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन एक्ट 1990. द फंक्शन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वीमेन आर स्पेसिफाइड इन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. आर्टिकल 322 इज करेक्ट आंसर, रिलेटेड टू एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. 1 जनवरी 2015 नीति आयोग की एस्टेब्लिश होती है. और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. फूड प्रिजर्वेशन कमीशन इज अ स्टेचुटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 को किया गया था और 14 जो है ये 1969 में किया गया था. यहाँ पर 1980 के बारे में पूछा गया है तो करेक्ट आंसर इज 6. सिडबी की स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी. नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई. क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं, पूछा गया है. तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पाठ 4 क में की गई है. यह व्यवस्था किस देश से
किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया है कि डीपीएसपी जो है ये पार्ट फोर में है, ओके, जो कि आयरलैंड से हमने लिया है, और पार्ट फोर का जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मिस हो गया है। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। वैसे डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया है, अभी आयरलैंड इसका आंसर दिया जा रहा है, हमें वेट करना चाहिए फाइनल आंसर का, जब जिस समय रिजल्ट आता है उस समय फाइनल आंसर की दी जाती है। संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। सिक्स शेड्यूल जो है, सिक्स शेड्यूल बैंकों को 1980 में नेशनलाइज किया गया था और वो बैंक ये थे। हाउ मेनी बैंक्स आर नेशनलाइज इन इंडिया इन 1980? सो सिक्स इज करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी एस्टेब्लिश्ड? सो करेक्ट आंसर इज अप्रैल 1990। नबार्ड एस्टेब्लिश्ड 12 जुलाई 1982। क्वेश्चन नंबर 64। इलेक्ट्रोल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज। ओके, तो स्टेट असेंबली में दिल्ली भी आ जाता है, पुडुचेरी भी आ जाता है, तो यहाँ के भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो भी होंगे। अब तो जम्मू कश्मीर के भी जो इलेक्टेड असेंबली के मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे जब तक वो यूटी रहेगा। इंग्लिश में भी गलत लिखा गया है, डीपीएसपी का जो पार्ट है पार्ट फोर ए रख दिया गया है, तो ये वैसे पार्ट फोर है, आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। इस क्वेश्चन को डिलीट किया जा सकता है। द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? तो 86वां जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, इसके द्वारा। 51 का मौलिक कर्तव्य है और इसका जो पार्ट है 4A है। कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। और जो हमारा प्रीएम्बल है, उद्देशिका है, हमारा जो प्रस्तावना है उसको केवल एक बार ही अभी संशोधित किया गया है, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, उसमें से एक शब्द जो है समाजवादी भी था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन प्लान जो है 1946 के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट को हमें देखना है। नोक्रेक जो है मेघालय में है, मानस असम है, सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा में है, और शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहां किया गया? तो बोइजे, इडाहो, यूएसए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द राइट टू एजुकेशन बिकम फंडामेंटल राइट? सो करेक्ट आंसर इज 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। आर्टिकल 51A डील्स विद द फंडामेंटल ड्यूटीज करेक्टली। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? मेंशंस 11। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द टर्म सोशलिस्ट इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल? सो करेक्ट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था। थ्रू विच प्लान वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्रिएटेड? सो कैबिनेट मिशन प्लान 1946। मैच करना है नोक्रेक मेघालय, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू टैप अंडरग्राउंड हीट वाज मेड इन बोइसे, इडाहो, यूएसए। इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड मोलासिस बेसिन? सो मिजोरम को हम लोग मोलासिस बेसिन के तौर पर जानते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। त्रिपुरा का जो लिटरेसी रेट है वो 87.75 है 2011 के अकॉर्डिंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। 87 त्रिपुरा का है और गोवा का जो है 88.7% है। अब देखते हैं, टाटीपाका तेल रिफाइनरी आंध्र प्रदेश में है, गाजा स्ट्रिक भूमध्य सागर के पास है, बैलाडीला छत्तीसगढ़, केंदूर झर जो है ये उड़ीसा में है, बालाघाट जो है ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा, और कुदेरमुख जो है कर्नाटक में है। इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आयरन ओर के ये सब माइन है, बैलाडीला ये सब आयरन ओर के माइन है, कुदेरमुख आयरन ओर के माइन है, तो आयरन ओर माइन से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें दी गई हुई हैं। निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? तो विषमगामी आती है। सही आंसर एक्चुअली केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा होगा, लेकिन एमपीपीएससी के द्वारा ऑप्शन ए को दिया गया है। इसने त्रिपुरा को गोवा से पहले कंसीडर कर लिया है, जबकि हमने अभी जस्ट ये चीज़ देखा कि गोवा जो है 88.7% है और यहाँ पर जो है 87.75% है। अब इसको देखना होगा। वैसे इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी होगा फाइनल आंसर की में, ऐसा हमें लगता है। नासिक जिले में त्रिंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो वैतरणा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जाने जाती है? तो क्षोभ मंडल जो पहला ही लेयर है, जिसको कि ट्रोपोस्फीयर कहते हैं हम लोग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
टाटीपाका आंध्र प्रदेश में है, गाजा स्ट्रिप मेडिट्रेनियन सी के आसपास है, हमने मैच भी कर लिया, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, केंदूरझर जो है उड़ीसा में है, बालाघाट मध्य प्रदेश में है अपने, और कुदेरमुख कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 77, नॉट कम अंडर डाइकेस्ट्रोफिज्म, सो अभी जस्ट हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर था, पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, हेट्रोजेनिक ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे केरल मिजोरम गोवा त्रिपुरा होगा, लेकिन एमपीपीएससी के द्वारा ऑप्शन ए अभी दिया गया है, इसको हो सकता है कि चेंज किया जाए। त्रिंबक हिल से कौन सी नदी निकलती है, तो बैतरना, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर। और ट्रोपोस्फीयर में मैक्सिमम जो क्लाइमेटिक और वेदर कंडीशंस होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में होती हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है, तो अमरकंटक पावर स्टेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था, खरगोन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। 21-22 में भारत तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम था, कॉपर में जो है इस बार जो है प्रथम हो गया है मध्य प्रदेश का स्थान। वैसे कॉपर के लिए हम लोग जानते हैं कि खेतड़ी का जो कॉपर माइंस है राजस्थान का वो काफ़ी फेमस है, लेकिन यहाँ पर उत्पादन पूछा गया था तो प्रथम इसका सही आंसर दिया जा रहा है एमपीपीएससी के द्वारा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, माही। कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है, तो ये काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, नहीं, काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक नहीं होती है। विच ऑफ द फ्लोइंग थर्मल पावर स्टेशन सिचुएटेड एट चांची ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, सो इसका सही आंसर है जो क्वेश्चन नंबर 81 का अमरकंटक पावर स्टेशन, इसका सही आंसर था क्वेश्चन नंबर 81 का अमरकंटक पावर स्टेशन। और कॉटन प्रोडक्शन में खरगोन डिस्ट्रिक्ट जो है वो फर्स्ट पोजीशन रखता है। मध्य प्रदेश के बारे में रोड एस्थेटिक के बारे में पूछा गया है कि इसमें से कौन जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है इसका, नॉट करेक्ट, सो दिस स्टेट रैंक फर्स्ट इन कंट्री, ये गलत है, जबकि अदर जो तीनों है ये सही है, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश होल्ड इन कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया ड्यूरिंग ईयर 2021-22, सो फर्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश फ्लोज इन 3 स्टेट, सो करेक्ट आंसर इज माही। विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट इन रेफरेंस टू द ब्लैक सॉइल ऑफ मध्य प्रदेश, सो ब्लैक सॉइल हैज हाई सैंड कंटेंट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। पूना नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है, ताप्ती। मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं, तो अल्पाइन वृक्ष जो है नहीं पाए जाएंगे, अल्पाइन वृक्ष जो है हाई एल्टीट्यूड पर पाए जाते हैं, जहां पर कि जो स्नोफॉल होता है वो भी होता है अल्पाइन वृक्षों के लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विजयगढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, करेक्ट आंसर इज सतपुड़ा श्रेणी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, टंडिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है, तो अनुसूचित जाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योग व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों की उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है, तो ग्वालियर में है जहां पर ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है। पूर्णा नदी जो है ये ताप्ती की ट्रिब्यूटरी है, ऑलरेडी हमने देख लिया, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश, सो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू सेंट्रल, इट्स सेंट्रल पार्ट, यस ये सही है। इसमें क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये टेम्परेट क्लाइमेट इज फाउंड इन सर्दर्न पार्ट ऑफ स्टेट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 स्टेट से गुजरती है भारत के। फॉरेस्ट आर नॉट फाउंड इन मध्य प्रदेश, सो अल्पाइन फॉरेस्ट, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बीजागर हिल इज सिचुएटेड इन विच आउट ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज, तो बीजागर जो है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि यह सातपुड़ा रेंज में है, सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 90 का। तांत्या मामा इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम जो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि सप्लाइंग लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल फॉर न्यू इंडस्ट्रीज, ये 2BPL कैटेगरी हो जाएगा। मध्य प्रदेश में जो है क्लस्टर डेडिकेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स, सो करेक्ट आंसर इज ग्वालियर, इज करेक्ट आंसर ग्वालियर में किया गया है, और बीजागर हिल जो है ये सातपुड़ा रेंज में सिचुएटेड है। यहाँ पर अचीवर कैटेगरी का है, इसमें अभी हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, जस्ट हम लोग देख लेंगे।
व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? तो अचीवर्स का दर्जा इसने लिया है। ओके, अंडर अचीवर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, अचीवर्स है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, जहां पर कि हम लोग देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश फिगर अंडर अचीवर कैटेगरी। ये अपना मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया था, ये तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि निम्नतम से उच्चतम हमें जाना है, दशकीय वृद्धि। तो सबसे कम जो है अनूपपुर में था, फिर बैतूल में था, फिर छिंदवाड़ा, फिर मंदसौर, ये बढ़ते हुए क्रम में है। मध्य प्रदेश राजनीति योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया है? तो अलीराजपुर में। और हम लोग जानते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का जो सबसे गरीब जिला है वो अलीराजपुर ही है, तो वहीं पर हमने सुधार को बेहतर देखा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड जो है 1880 से लेकर 84 तक था। मैंने इन पर वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? 74। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो विधानसभा के अध्यक्ष को ही करना होता है ये काम। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु जो है कितनी है? उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो ये 62 हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं जजेस जो होते हैं, न्यायाधीश जो होते हैं, वो 65 ईयर उनकी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमने देख लिया कि हाउ डिड मध्य प्रदेश परफॉर्म इन असेसमेंट ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022। तो ये अचीवर कैटेगरी में है अपना मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है डिकेडल ग्रोथ के बारे में। तो अनूपपुर के बाद बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर इज करेक्ट आंसर, और अलीराजपुर इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड रिपन जो है ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहे जाते हैं। 72 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का जो है वो 97 का 74 होगा, ये 74 इज करेक्ट आंसर। बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव द म्युनिसिपल लॉज बीन अपडेटेड? सो 74 है ये ना, जो कि 1992 में आया था। और 73 जो है ये पंचायती राज से है, पंचायती राज से है, और ये म्युनिसिपल लॉज से है। तो 74 इसका सही आंसर है। पंडित कुंजीलाल दुबे जो है ये मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर थे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Who decided whether a bill is a money bill or not in a state? तो स्पीकर और विधानसभा। और मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जजेस जो है वो 62 ईयर्स होते हैं। तो हमने मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रोविजनल आंसर की के थ्रू हमने अपना आंसर की देखा, और ये उसका प्रोविजनल आंसर की है। मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर देखा।